नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी केजी और पहली कक्षा के तहत दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत 11 अप्रैल को हो गई थी और 25 अप्रैल को फॉर्म भरकर जमा करवाने की अंतिम तिथि थी। इस संबंध में सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आई थी, आपको विस्तार में बताया था फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, कौन से ज़रूरी कागजात की जानकारी आपके पास होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, कौन से बच्चों को पहले दाखिला मिलेगा, कौन से बच्चों को बाद में दाखिला मिलेगा इत्यादि। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ जो कि है ड्रॉ से संबंधित, रिजल्ट निकलने से संबंधित और दाखिले से संबंधित। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था 2 मई को सभी सर्वोदय विद्यालयों में ड्रॉ की प्रक्रिया यानी कि लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करवा दी जाएगी। सुबह के स्कूलों में सुबह 11 बजे और दोपहर के स्कूलों में दोपहर को 3 बजे। तो 2 मई को ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवा दी गई है और अब स्कूल वाले जो ड्रॉ के माध्यम से जिन बच्चों का नाम निकला है उन बच्चों का नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे 4 मई को, जो कि है बुधवार, सुबह 11 बजे सुबह वाले स्कूलों में और दोपहर को 3 बजे शाम वाले स्कूलों में। और उसके बिल्कुल अगले दिन यानी कि 5 मई से 13 मई के बीच आप अपने बच्चों का दाखिला उस सर्वोदय विद्यालय में करवा सकते हैं जिसके नोटिस बोर्ड पर यानी कि सूचना पट पर आपके बच्चे का नाम आया है। साथ ही 5 से 13 के बीच में जब दाखिला प्रक्रिया संपन्न होगी तो उसके बाद जिन बच्चों का नाम आ जाएगा और वह नहीं दाखिला लेंगे तो ऐसे में सीटें खाली रह जाएंगी और खाली सीटों पर होगा वेटिंग लिस्ट के बच्चों का दाखिला जो कि 17 मई से 19 मई के बीच में होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, 17 मई से 19 मई के बीच में वेटिंग लिस्ट के बच्चों का दाखिला, उससे पहले 5 से 13 मई के बीच में दाखिला प्रक्रिया, उससे पहले 4 तारीख को आपको रिजल्ट की जानकारी मिल जाएगी क्योंकि 2 तारीख को कंप्यूटराइज ड्रॉ यानी कि लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करवा दी गई है। उम्मीद करती हूँ सर्वोदय विद्यालय से संबंधित यह जानकारी जिसके माध्यम से नर्सरी केजी और पहली कक्षा के ऑफलाइन फॉर्म निकाले गए थे और अभिभावकों को जानकारी दी गई थी कि यदि वे सर्वोदय विद्यालय में अपने बच्चों को दाखिला करवाना चाहते हैं तो इन फॉर्म की मदद से वे अपने बच्चों को दाखिला करवा सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना था, क्या जानकारी चाहिए थी, किस प्रकार से घोषणा पत्र देना था, ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के माध्यम से बताई थी। तो आप सभी के बच्चों का बढ़िया बढ़िया स्कूलों में दाखिला हो, यही मेरा सपना है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।